हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल कॉलेज स्टूडेंट। तो यार बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी वीआईटी ट्रिपल ई को लेके, बहुत सारे डाउट्स जो वो स्टूडेंट के मन में थे वो अब क्लियर हो चुके हैं कहीं हद तक, बिकॉज खुद वीआईटी ट्रिपल ई के डायरेक्टर जो एडमिशन डायरेक्टर है और असिस्टेंट एडमिशन डायरेक्टर, उन्होंने लाइव स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करके बहुत सारे डाउटों का आंसर किया। तो फाइनली इस वीडियो में मैं उसी पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो बहुत सारे लोग जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आपको जो आपके अंदर जो मैक्सिमम डाउट्स था, जो हमारे पास भी आ रहे थे डाउट्स, वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला जो डाउट आ रहा था स्टूडेंट के मन में कि जो प्राइमरी डिवाइस है और सेकेंडरी डिवाइस है, तो क्या हमारे पास अगर प्राइमरी डिवाइस में वेबकैम नहीं है, हमारे डेस्कटॉप में वेबकैम नहीं है, तो सेकेंडरी डिवाइस से हम काम चला सकते हैं? तो उसका आंसर है नहीं। उन्होंने साफ बोला है कि प्राइमरी डिवाइस में वेबकैम होना चाहिए, वो जो है आपके फेस को रिकॉर्ड करेगा, जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं वो उसको रिकॉर्ड करेगा, और सेकेंडरी डिवाइस आपके एनवायरमेंट को सर्वेलेंस करेगा। इन केस आप अगर ह्यूमन प्रॉक्टर को लगता है, मतलब आपके टीचर जो आपको देख रहे हैं उनको लगता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है, तो वो 360 डिग्री पे जो आपका रूम का एनवायरनमेंट है वो दिखाने के लिए बोल सकते हैं, उसके लिए सेकेंडरी डिवाइस यूज होगा। लेकिन प्राइमरी डिवाइस वो टोटली आप पे फोकस रखेगा कि आपकी क्या एक्टिविटी हो रही है, तो वेब कैम का होना जरूरी है। इन केस नहीं है तो आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन जो आ रहा था वो स्पेसिफिकेशन को लेके आ रहा था कि इन केस हमारे पास स्पेसिफिकेशन उतना नहीं है हमारे डेस्कटॉप में लैपटॉप में, तो क्या हमें अलाउ किया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए? तो अभी तक के आंसर के अकॉर्डिंग जितना मिनिमम स्पेसिफिकेशन दिया गया, एटलीस्ट उतना स्पेसिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। इन केस नहीं है तो आपको वैसे डिवाइस का जुगाड़ करना पड़ेगा जिसमें उतना मिनिमम स्पेसिफिकेशन है। हालांकि फर्स्ट मॉक में आपको ये सारी चीज़ें और भी क्लियर होती हुई नजर आएंगी। फिलहाल उनका आंसर यही था कि मिनिमम स्पेसिफिकेशन जो प्रोवाइड किया गया गाइडलाइन में, उतना आपके पास होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आ रहा था वो ये आ रहा था कि क्या हम थ्रू आउट द एग्जामिनेशन कोई रफ सीट या रफ पेपर का यूज़ कर सकते हैं? तो डेफिनेटली कर सकते हो। बस इतना करना है आपको, जो भी आप सीट लोगे वो वाइट सीट होनी चाहिए, और आपको प्रॉक्टर को दिखा देना है कि हाँ ये वाइट सीट हम यूज़ कर रहे हैं। फिर आपको अपने डेस्क पे ही रख के, आप ज़्यादा नीचे भी नहीं रख सकते, क्योंकि एक सर्टन रेंज तक आपका जो ऑटो प्रॉक्टर है वो आपको डिडक्ट करेगा। तो आपको अपने डेस्क पे ही रख के सारी चीज़ें, जो भी रफ वर्क है, आप पेन भी रख सकते हो और वाइट सीट भी रख सकते हो। इसके अलावा आप कैलकुलेटर या कुछ भी डिवाइस नहीं रख सकते हो। उन लोगों ने साफ क्लियर किया है कि अगर कोई भी कैलकुलेटर टाइप चीज़ देना होगा तो वो खुद ही प्रोवाइड करेंगे, जो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। आपको कोई भी एक्सटर्नल कैलकुलेटर या ऐसी डिवाइसेस अपने पास नहीं रखनी है। एक क्वेश्चन और जो आ रहा था वो आ रहा था कि क्या एग्जामिनेशन हम देंगे तो हम स्किप करके क्वेश्चंस को जा सकते हैं किसी और क्वेश्चंस पे, और इनकेस बाद में हमारा कंप्लीट हो जाता तो फिर से उस क्वेश्चन को रीचेक कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। एक बार आप क्वेश्चन को स्किप कर देते हो तो आप आगे ही बढ़ोगे, पीछे बढ़ने का, पीछे जाने का कोई ऑप्शन आपको वहां पे नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू देम। तो उन्होंने साफ किया कि लेट करो कि आप तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे हो, अगर उसको आप स्किप कर देते हो और फोर्थ पे चले जाते हो तो फिर आप तीसरे नंबर क्वेश्चन पे नहीं आ पाओगे, ऐसा उनका कहना था। हालांकि ये भी सारी चीज़ें भी मॉक में ज़्यादा क्लियर होंगी। साथ ही साथ एक वीडियो भी वो रिलीज़ करने वाले हैं बहुत जल्दी, शायद आज ही रिलीज़ कर दे, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप रेगुलरली चेक करते रहना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं कम्युनिटी पोस्ट भी कर दूंगा जहां से आप जाके ये देख सकोगे कि किस तरीके से हमें एग्जामिनेशन देना है। उस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आएंगी। एक क्वेश्चन और ये आ रहा था कि सर जो मोबाइल है उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐप हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक यूआरएल मिलेगा जिस यूआरएल को आपको क्रोम पे खोलना है, अपने मोबाइल के क्रोम पे खोलना है, और वो ऑटो वर्क करने लगेगा। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें एक वीडियो अभी आएगा उसमें भी क्लियर होगा। और साथ ही साथ आपका जो पहला मॉक रहेगा ये इसीलिए लिया जा रहा है कि आप रेडी हो जाओ किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन देना है। जो गलती आप पहले मॉक में करोगे, आपको सेकेंड मॉक का भी चांस मिलेगा, उसमें वो गलती वो चाहेंगे कि आप ना करो और पूरी तरीके से मेन एग्जाम तक आप रेडी हो जाए। तो मॉक देना भी कंपलसरी है, ये आपको पता ही होगा। जो भी स्लॉट्स आप बुक कर रहे हो ये ध्यान देके बुक करना कि उसी टाइम पे आपको मॉक भी देना होगा। ये नहीं कि अगर आप 4 बजे का स्लॉट फाइनल एग्जाम का बुक कर रहे हो तो आप ये सोच लो कि मैं 11 बजे भी मॉक दे सकता हूँ, 1:30 बजे वाले में भी मॉक दे सकता हूँ। तो ये बात एकदम माइंड सेट करके रखना है कि जो भी आप स्लॉट बुक कर रहे हो उसी में आपका पहला और दूसरा मॉक होगा। तो इन चीज़ों के ध्यान से भी आपको फाइनल एग्जामिनेशन का स्लॉट बुक करना है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने पहले वीडियो भी जो वीआईटी का बनाया था तो उसमें ये चीज़ें बताई थी। इन केस अगर आप डेस्कटॉप का यूज़ कर रहे हो, पावर कट होता है या फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो आपको 3 मिनट का
टाइम दिया जाएगा रिकनेक्ट करने के लिए, तो आपको रेडी रहना है। उस वीडियो को जरूर जाके देखना, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया किस तरीके से इन चीज़ों से आप बच सकते हो, इन ट्रैप से बच सकते हो। तो डेफिनेटली उस वीडियो को जाके देखना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन चीज़ों को गाइडलाइन के साथ। लेकिन फिलहाल के लिए ये नोटिस उन्होंने दिया है कि 3 मिनट का आपको टाइम मिलेगा रिकनेक्ट करने का। इन केस आप उन 3 मिनट में कनेक्ट नहीं हो पाते हो तो फिर आप एग्जामिनेशन से बाहर हो जाओगे और कोई भी आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। लेट करो आपका 1 मिनट का नेटवर्क जाता तो ये नहीं कि आपको 1 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। उन्होंने साफ ये मेंशन किया कि कोई भी आपको किसी तरीके का भी आपका डिस्टरबेंस होता है या कुछ भी होता है तो एक्स्ट्रा टाइम वो आपको प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखना। तो आई होप सारी डाउट आपकी क्लियर हुई होंगी। इनकेस कोई डाउट रह जाता तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली कमेंट करना, मैं उस पर भी वीडियो लाने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे उनका वीडियो रिलीज होगा एक्सप्लेन्ड वीडियो मैं लेते आऊँगा जहाँ पर आपको और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।